अमरावती दंगों की सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने और देखिए। थैलों को तोड़ दिया गया तो वहीं पर पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए इन लोगों की अच्छी खासी खातिरदारी की। जहां पे मुस्लिम इलाकों के अंदर इन लोगों ने तोड़फोड़ की, दुकानों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ दरगाह को भी तोड़ दिया गया, दरगाह को आग लगा दी गई। अब इसके बाद सरहदों पे तनाव है क्या? कुछ पता करो, तनाव है क्या? मेरे मीडिया स्टार चैनल के माध्यम से भी लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि शांति बनाए रखें और भाईचारा कायम रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। पालकमंत्री काहीच बोलत नाही, आमदार लोकप्रतिनिधी शांत राहतात, शासनाकडून कोणतीच प्रतिक्रिया येत नाही, मग जीवित जीवाची कोणाला कोणाच्या सुरक्षेची हमी तरी आहे का अमरावतीमध्ये? तेच मालेगावमध्ये घडलं, तेच नांदेडमध्ये घडलं। खरोखर जर का वाचायचं असेल तुम्हाला, तुमच्या सगळ्या पिढीला, या भारताला, या शहराला, तर उद्या अमरावती बंद झालंच पाहिजे। मी सकाळी 9:30 राजकमल चौकात येणार, आपणही या आणि उत्स्फूर्तपणे अमरावती बंद आपण करू। आणि यांनाही सांगायचं आहे की इथे राहायचं असेल तर शांततेने राहा। बघायला येऊ मग कैसी सोशी समजी साजिश के तहत।
तो ये लोग भाग के मुस्लिम इलाकों की ओर गए, जहाँ पे मुस्लिम इलाकों के अंदर इन लोगों ने तोड़फोड़ की, दुकानों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि गाड़ियों को भी आगजनी कर दी। यहाँ तक कि इन लोगों ने नमूना गली के अंदर, जो राजकमल चौक के पास पड़ती है, इसके वहाँ पे मजार दरगाह को भी तोड़ दिया गया, दरगाह को आग लगा दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस और सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, जबकि सोसी समझी साजिश के तहत ये बात का इतिहास गवाह है। जब भी इलेक्शन नजदीक होती है, बीजेपी इस तरीके की राजनीति करके वोटर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। नुकसान गरीबों का ही होता है। मुझे रात इंदौर की ये शेर याद आती है इसके ऊपर, सरहदों पे तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। अमरावती जिले के हालात अभी पुलिस के नियंत्रण में, 144 धारा 4 दिनों के लिए लागू कर दी गई, इंटरनेट सेवाएं 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई। जैसे कि अमरावती जिले के अंदर जो बड़े बड़े शहर है, अचलपुर, परतवाड़ा, अंजनगांव, सुरजी, इस तरीके के शहरों के अंदर 144 धारा लागू कर दी गई, और लोगों से प्रशासन सरकार यही अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, जैसे पहले हालात थे जल्द से जल्द पहले जैसे हालात हो जाएंगे। अगर लोग पुलिस को सहयोग करते हैं तो जल्द से जल्द ऐसे हालात हो जाएंगे। मैं मेरे मीडिया स्टार चैनल के माध्यम से भी लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि शांति बनाए रखें और भाईचारा कायम रखें। इसी तरीके के न्यूज के अपडेट के लिए मीडिया स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर पाएं। यह मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी कॉमेंट देके मुझे अपनी राय दें।